Let's read the question. A particle of mass 5 kg is pulled along a smooth horizontal surface by a horizontal spring. The acceleration of the particle is 10 meter per second square. The tension in the spring is. So, bachyo, hume given hai ek smooth horizontal surface. Isko maan sakte hai. It means kya hua? Iska jo coefficient of friction hai, wo hum maan sakte hai 0 because smooth word used hai. अब इसमें रखा हुआ है एक पार्टिकल जिसका मास गिवन है हमें 5 केजी और बच्चों इसको पुल किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से. अब अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बच्चों यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स लेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ से दैट विल बी एम ए. एम की वैल्यू है 5 kg तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन. अब हमें फाइंड करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा. तो हम मान लेते हैं कि फोर्स लगाया जा रहा है राइट डायरेक्शन में तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट. सो बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे फोर्स बैलेंसिंग इन द हॉरिजॉन्टल कंडीशन. सो इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा टी इक्वल्स टू एफ विच इज इक्वल्स टू एम ए जिसका आंसर आया है 5 × 10. इट मीन्स दिस इज 50 न्यूटन. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑप्शन बी. Thank you.